नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2019 में छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा चौरई क्षेत्र क्रमांक 124 के अंतर्गत बूथ क्रमांक 31 शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम पंचायत बींझावाड़ा में शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामवासियों ने मतदान कर अपने अमूल्य वोट का सदुपयोग किया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर युवा वोटर्स, महिलाओं एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं अपने मताधिकार का उपयोग कर सशक्त लोकतंत्र की स्थापना की। बूथ क्रमांक 31 ग्राम पंचायत बींझावाड़ा में लगभग 83% वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। मतदान संपन्न होने के बाद गांव के वरिष्ठ दीपक किशोर तिवारी ने मीडिया से मतदान के बारे में बातचीत की। गांव के वरिष्ठ लोगों से और यहां पे इन्होंने जो वोट डाला है, कितना क्या परसेंटेज रहा, आपका सुनना। मेरा दीपक किशोर तिवारी। तो सर आप बताइए, यहाँ पे कैसा मतदान हुआ ग्राम बींझावाड़ा में और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया? लोकतंत्र के पावन उत्सव में जो चुनाव आयोग की पहल थी और मीडिया वालों का जो विज्ञापन था मतदान के वो प्रेरित करने के लिए जो जनता का, तो हमारे गांव की जनता सुबह 7 बजे से लेकर के जो शाम के 6 बजे तक पूरे गाँव में एक उत्सव के रूप में ये मतदान को आज मनाया गया और सभी ग्रामों की जो जनता थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर के, महिला पुरुष सभी लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और अपने मत का उपयोग किया। यहाँ पर कुल मतदाता का जो 984 है ग्राम बींझावाड़ा में, उसमें 815 जो लोग हैं उन्होंने अपने मत का उपयोग करे हैं और 9 जो है EDC जो मत रहते हैं जो कर्मचारियों के वो अलग से डाले हैं। ऐसे टोटल 824 यानी मत का उपयोग ग्राम बींझावाड़ा में हुआ। मतलब यहाँ पे ग्राम में मतलब पूरा जो मतदान का जो वोटिंग जो परसेंटेज रहा वो कितना रहा? वो 83%। और चुनाव ये मतदान जो हुआ मतलब शांतिपूर्ण हुआ, मतलब विवाद की स्थिति कहीं से नहीं? नहीं, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत सौहार्द के वातावरण में और बहुत अच्छे तरीके से पूरा मतदान संपन्न हुआ। खबर समय जगत के लिए छिंदवाड़ा से कैमरामैन शिवम द्विवेदी के साथ ब्यूरो चीफ अजीत कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।